हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ वुमेन्स। आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी के लिए झांकी सजाई हुई है। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जन्माष्टमी आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कितनी क्यूट सी मेरी बेटू का, मेरी डॉटर का छोटा सा टेबल है जिसे मैंने डेकोरेट किया हुआ है, क्योंकि ये जो वुड जो होता है ना हमारा, वो हमेशा पवित्र रहता है और मुझे छोटे से एरिया में झांकी सजानी थी, इसलिए मैंने इस तरह से उसको यूज़ किया है। पूजा की अलमारी को मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि उसमें जो डेली की पूजा होती है वो फिर रुक जाती है, और ये 6 दिन के लिए मुझे झांकी रखनी होती है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट सजाया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने इस तरह से ये बलून्स लगाए हैं, और यहाँ पर एक प्लेट रखी हुई है जिस पे मैंने बांके बिहारी जी को बिठाया हुआ है। ये देखिए, बहुत छोटे से बांके बिहारी जी हैं, इनका झूला है। देन झूला झुलाने के लिए ये इस तरीके की लड़ दी हुई है, इससे हम झूला झुलाएंगे। मैंने बहुत छोटी सी ये बांसुरी ली है, ये देखिए मोर बना हुआ है इसमें, और बहुत ही क्यूट सा छोटा सा ये मैंने माला खरीदा है इनके लिए। मैं पगड़ी पोशाक बिस्तर इसलिए नहीं ले पाई हूँ कान्हा जी के लिए, क्योंकि मेरे जो ये कान्हा जी हैं ये बहुत नन्हू से हैं, इनके नाप का कपड़ा नहीं मिलेगा, और अगर मैं बनाती भी हूँ तो वो ढक जाएंगे, इसलिए मैंने इनका ज़्यादा साज श्रृंगार नहीं किया है। और श्रृंगार वाले कान्हा जी मैं आपको अलग दिखाऊंगी अगली जन्माष्टमी में। ये बांसुरी है, बांसुरी सजाई हुई है, और इस तरह की प्लेट है जिसपे मैंने कुछ फूल बिछा रखे हैं, फूलों पे आसन रखा है, आसन के ऊपर कान्हा जी का झूला रखा हुआ है, और इस तरह से कुछ टॉफीज़ हैं उनके लिए। ये कटोरी मैंने यहाँ रखी है, मैं रात के 12 बजे इसे यहाँ पर रख के इसी में ही उनको पंचामृत, मनभोग, पंजीरी और पाक का भोग लगाऊंगी, जल वगैरह पिलाऊंगी सब इसी में करके। और झालर लगाई हुई है मैंने, बलून लगाए हुए हैं। बहुत ही क्विक एंड इजी डेकोरेशन है। 2 फ्लावर वास थे मेरे पास, ये मैंने इस तरह यहाँ पे रखे हुए हैं। देन कुछ टॉयज़ भगवान जी के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं, ये देखिए भगवान जी का शीशा है, जब वो सजने के बाद खुद को देखेंगे, उनका मिरर है, और भगवान जी का कॉम्ब है, ये बाकी बॉल है, डॉल है, झुनझुना है भगवान जी के लिए ये, और इस तरह से उनके सारे टॉयज रखे हुए हैं। बाकी नीचे इस तरह से ये मैंने बलून्स लगाए हुए हैं, और ये मैंने पूजा की प्लेट रखी हुई है जिसमें कुछ सामान मैंने अभी से रख दिया है, जैसे अगरबत्ती, आरती की किताब, रोली, घी, धूप बत्ती, मिश्री, और ये देखिए रुई बत्ती, धूप बत्ती, सब चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। बस रात में हमें धूप दीप करना है और भगवान को भोग लगाना है, गीत गाने हैं इस तरह से। उसके बाद ये भोग है जो मैंने तैयार कर लिया है, ये मनभोग, पंजीरी जिसे हम कहते हैं। उसके बाद ये पंचामृत है, चरणामृत भी बहुत लोग कहते हैं इसको। और उसके बाद ये पाग है। तो ये देखिए, मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ उनके जन्मोत्सव का। जन्म उनका जैसे ही होता है हम उत्सव मनाएंगे। तो आप लोगों को फ्रेंड्स कैसे क्या पूजा करनी है मैं आपको बता देती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है कान्हा के जन्मदिन पर, बस दिल में भाव रखिए, इच्छा रखिए, आदर रखिए, सत्कार रखिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ये है सिंपल सी झांकी जो मैंने बहुत ही क्विक और इजी वे में बनाई हुई है। इसमें कुछ भी नहीं लगा है, सिर्फ बलून्स लगे हैं और ये कुछ इस तरह की लड़ियां लगी हुई हैं, और ज़्यादा कुछ भी नहीं इसमें लगा हुआ है। आपको डेकोरेशन देख के पता चल रहा हो कितना सिंपल और क्विक डेकोरेशन है। और इसको आप ज़रूर करिएगा, आप अपने घर पे झांकी ज़रूर सजाइए। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा क्षमता नहीं है, नहीं कर सकते, तो सिंपल बलून से सजाइए, लेकिन सजाइएगा ज़रूर, बांसुरी ज़रूर रखिएगा। मैंने मोर पंख भी लाए हैं, ये देखिए मोर पंख वगैरह भी आपको रखने चाहिए, इसमें बहुत ज़रूरी है।
कान्हा से जुड़ी हुई हर चीज़ को आप रखिए। अगर आप चांदी की बांसुरी नहीं रख सकते, पीतल की बांसुरी नहीं रख सकते, तो आप लकड़ी की ही बांसुरी रखिए, मगर रखिए ज़रूर, ठीक है ना। सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको रखनी चाहिए, और किसी भी त्यौहार को मनाना ज़रूर चाहिए। उससे क्या होता है, दिल में खुशी होती है, उमंग आती है, और इस तरह से करने से ना भगवान को भी अच्छा लगता है। हमारे घर आते हैं, वो हमारी मेहनत को देखते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए अपने घर में झांकी ज़रूर सजाइए और कृष्ण जन्मोत्सव को बहुत ही धूमधाम से ज़रूर मनाइए। यही बोलना है हमको, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। राधे राधे जपियो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मैंने अपनी झांकी दिखाने के लिए आपको ये वीडियो बनाया था। आई होप आपको कुछ आइडियाज़ मिल गए होंगे। अगर आइडियाज़ पसंद आए हो तो आप अपने घर पे भी इन आइडियाज़ को यूज़ करके झांकी सजा सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।